रखी गई है डोरी सजा के रखना के रिलीज के बारे में अनाउंस करने के लिए, बताने के लिए। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में, अपने बारे में बताना चाहते हैं, किरदार के बारे में बताना चाहते हैं? इस फिल्म का किरदार मुझे लगता है रजनीश जी ने जो मेरे लिए लिखा है वो स्पेशली मुझसे बहुत सारे बदले निकालने के लिए लिखा है, क्योंकि इसमें मुझे बैड सिंगर, बैड डांसर, बैड परफॉर्मर सब कुछ दिखा दिया है। बट आई एम प्रिटी श्योर वो साइड ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। और एक चंक है फिल्म में छोटा सा जहाँ खेसारी जी मुझे डांस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और वो सब सीक्वेंस जब आप लोग फिल्म में देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो मेरा किरदार कुछ ऐसा ही है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा टाइप का है, जो स्क्रीन पर जब आएगा तो आप लोगों को देख के बहुत मज़ा आएगा। किस तरह की पेयरिंग थी डोली सजा के रखना में खेसारी का जादू के साथ? खेसारी जी के साथ तो मैं जब भी शूट करती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ऑन स्क्रीन तो हम लोग हंसते ही रहते हैं सीन्स की वजह से, हमारे डायरेक्टर सर की वजह से, लेकिन ऑफ स्क्रीन किसी को एक्टर को हंसाने की क्षमता जो खेसारी जी में वो और किसी में भी नहीं है। हम लोग पूरे टाइम सेट पे सिर्फ हंसते रहते थे कुछ ना कुछ बात करके, और या तो गाने सुनते रहते थे। मुझे इनके सारे गाने आने से पहले मालूम रहते हैं कि अभी ये आएगा, अभी ये आएगा, अभी ये आएगा। आदमी नहीं है, जोक है। नहीं मतलब यहाँ साथे रहते हैं। नहीं यहाँ साथे रहते हैं। मैंने कभी उनको ऐसे सीरियस होते हुए नहीं देखा सेट पे। हमेशा अच्छा माहौल रखते हैं, सब लोग को बहुत कंफर्टेबल रखते हैं आसपास। उसके लिए हम 6 महीने तैयारी करते हैं। 6 महीना सोचते हैं कि झेलूंगा कैसे, तब डेट देते हैं हम लोग के लिए। ऐसा नहीं, किसी को अपना बनाने के लिए तैयारी की जरूरत नहीं होती है। और जिंदगी में अपने आप, अगर आप अपने आप को खुश रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपके आसपास के हर सारा वो माहौल खुश रहता है। बी पॉजिटिव जो जिसको लोग बोलते हैं, आप अगर पॉजिटिव हैं तो दुनिया में हर आदमी आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। अगर आप निगेटिव में हैं तो मुझे लगता है हर आदमी आपको माइनस ही दिखेगा। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम सीट पे हैं तो हमारा परिवार तो वही होता है ना। हम मानने के अपने पिता के बेटा हैं, मानने के लिए हम अपने बीवी के पति हैं, मानने के लिए हम अपने बच्चों के पिता हैं। बट मुझे लगता है बेटा बेटा तक ठीक था, मानने के लिए बीवी के पति, मतलब सेट पे किसके, मेरे पति थे क्या? नहीं जो परफॉर्म में घर पे करता हूँ परफॉर्म पे आप ही करना पड़ता है। फोन भी बजने लगा। डबल मीनिंग क्यों बना दिया? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सॉरी, यही बोल रही हूँ मैं, यही ऐसे ही हंसाते हैं वो और फिर बोलते मैंने कुछ किया भी नहीं। देखिए अच्छा देखिए, जो मैं घर पे परफॉर्म करता हूँ वही परफॉर्म तो यहाँ भी करता हूँ मैं। क्या हुआ अब, इसमें कौन सा गलत था? सॉरी हम लोग शब्दों से ज्यादा मौनों को समझते हैं। नहीं मेरे कहने का मतलब कि जिस तरह हमारे बीबी से भी नोक झोंक होती है, बच्चों प्यार मोहब्बत होता है, बच्चों के साथ जो होता है वो सारी माहौल तो हम लोग को सेट पे मिलती ही मिलती है। तो वो सारी चीजें अगर हम नहीं तो वो सारी चीजें हमें करनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि एक परिवार ही है हमारा। सिनेमा देखा जाए तो एक परिवार की तरह है। जैसे कि हमारे पिता के रोल में हमेशा रजनीश भैया, जब भी हम लोगों ने काम किया है तभी हमेशा समझाना कि नहीं ऐसे करो, ये करो, वो करो। और ये बेहतर सिनेमा बनाने में कामयाब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनको एक्ट करना आता है। ये जो एक्टिंग करके हमें बताते हैं वो हमारे लिए बहुत ईजिली हो जाता है। तो हमने जब भी इनके साथ काम किया है तो हमें सपोर्ट एक इस तरह से मिलता है कि एक डायरेक्टर के साथ साथ एक एक्ट जो होता है, हमें कैसे बोलना चाहिए, हमें खड़ा कैसे होना है, ये सारी चीज़ें इनके अंदर वो गुण है। और ऐसा नहीं कि ये एक्टिंग बताते हैं, ये मुझे नेचुरल बोलते हैं कि बेटा नेचुरल हो, ये चीज़ें नेचुरल कर, ऐसे हमारे यहाँ खड़ा होते हैं। तो हम तो वही जी के हैं, लेकिन कबो कबो आदमी अभी 15 साल से इधर ना है तो थोड़ा सा गाँव से बड़ा पाव आ जाता है, तो कभी कभी बड़ा पाव वाला स्थिति में आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो फैमिलियर, आप अगर अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक हीरो के हिसाब से मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी पूरी यूनिट आपको लेकर सफ़र कर रही है। एक हीरो हीरोइन का जो रोल होता है पूरी फिल्म उसी पे टिकी रहती है। अगर हम ही माइनस जोन में चले जाएंगे तो हमें लगता है कि पूरा यूनिट माइनस जोन में जाएगा और हमारा काम बेहतर नहीं होगा। तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि जब हम ही नहीं हंसेंगे तो हमारी यूनिट कैसे हंसेगी। तो बस थोड़ा सा ये स्टारों का हंसने के, खुद के हंसने से ज़्यादा खेसारी जी की एक खासियत है जो बींग ए डायरेक्टर, और अमरपाली जी भी इससे सहमत होंगे कि रात का जब 2 बज जाए 3 बज जाए
और सब कोई थका हुआ है, दिन सुबह 9 बजे की शिफ्ट से लोग काम कर रहे हैं, रात के 3 बजे 4 बजे जब सब नींद में मतलब माते हुए रहते हैं और बहुत थकान रहती है, उस समय जो ये जगाते हैं लोगों को, जो प्रेरित करते हैं, जो उस समय एनर्जी ये देते हैं सबको, और उसके बाद जो काम निकलवा लेने की क्षमता है इनके अंदर है। और खासियत ये भी है कि क्योंकि इनकी जो जहाँ से आए हैं वो बहुत नीचे से आए हैं और बहुत संघर्ष करके आए हैं, तो जानते हैं कि जो यूनिट के बाकी लोग आज की तारीख में संघर्ष कर रहे हैं उनसे और इनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। वो जो टेक्नीशियंस और जो जो बाकी जो काम करने वाले लोग हैं और एक सुपरस्टार, उसके बीच का गैप ना हो, इसके लिए उस गैप को भरने के लिए उन लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, ऐसा एहसास दिलाते हैं कि मैं आपके बीच का हूँ, और वो लोग इंजॉय करते हैं उस चीज़ को और मोटिवेट होकर के और एनर्जी के साथ काम करते हैं, जो मुझे लगता है। हाँ, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट खेसारी जी इज कि उनको अपने यूनिट के हर एक बंदे का नाम पता है। नाम पता है उनको, लाइट वालों का नाम पता है उनको, स्पॉट वालों का नाम पता है उनको, सेटिंग वालों को, वो सबको नाम से एड्रेस करते हैं, नाम से बुला बुला के बातें करते हैं, और हर कोई ऐसा सोचता है कि मेरी पिक्चर बन रही है, मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, ये मेरा ही हीरो है, तो हर आदमी भैया इनको बोलता है, तो वो अच्छा लगता है। और यही शायद वजह है कि इनकी फिल्मों में वो रस देखने को आपको मिलता है, चाहे कोई भी बनाए, लेकिन वो एक आत्मीयता और एक जो रस जो होता है, जो ठेठपना और भोजपुरी पना होती है। और हम लोगों ने डोली सजा के रखना में, तो मैं चूँकि फिल्म की मिक्सिंग वगैरह करके देख चुका हूँ, तो फर्स्ट हाफ जो फिल्म गुजरती है वो तो ऐसा ऐसी हालत हो जाती है कि हंसते हंसते आदमी मैं डबिंग नहीं कर रही कम्प्लीटली, मैं डबिंग जब मैं डबिंग करने गया था तो सच पूछे पहला ऐसा सिनेमा होगा, पहला नहीं है, ऐसे तो उनके साथ करने पे तो सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी फिल्मों में ऐसा हुआ है मेरे साथ, लेकिन इस सिनेमा में मैं डबिंग नहीं कर पा रहा था कम्प्लीटली। मैं मुझे लगा जी मैं क्या करूँ यार, मैं क्या किया हूँ इसमें, मैंने होता क्या है ना कि यार जो नहीं बोलना है वो भी बोला हूँ और कितना बोला हूँ होता है ना, तो मैं डबिंग, मुझे लगता था कि हर एक सीन के बाद जो हमारा उसका कम्बिनेशन चल रहा था कॉमेडी पार्ट, तो हर एक सीन के बाद मुझे 10 मिनट रेस्ट चाहिए क्योंकि दूसरा सीन करने के लिए सेम हालत इनका भी हुआ। ये पहले दिन इन्होंने डबिंग नहीं किया, पहले दिन सिर्फ हंसी और उसके बाद बोली अब हम नहीं कर पाऊंगी, हंसते-हंसते रो दी इतना हंसी। तो वो सारी चीजें इस सिनेमा के साथ हुई, क्योंकि देखिए होता क्या ना, हर आदमी अपने जीवन में फ्रस्ट्रेटेड है देखा जाए तो, कोई अपने घर से फ्रस्ट्रेटेड है, तो कोई रोजगार बेरोजगार, तो कोई नेता, तो कोई मंत्री, तो कोई ये बन गया, तो कोई वो बन गया, तो कभी ये प्रॉब्लम कभी वो, तो प्रॉब्लम के साथ अगर हम सिनेमा को भी प्रॉब्लम में ही डाल दें तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। हमारी सिनेमा जो होती है इंटरटेन के लिए, इंटरटेन के साथ एक मैसेज इंसान को देना है कि हम हंसते हंसते कुछ ऐसी चीज़ें देख लें कि हम जीवन में हमें उसे फॉलो भी करना है कि नहीं यार ये हमें लगता है कि वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, बट वहाँ से वो सही है। क्योंकि मीरा रोड से यहाँ आने का रास्ता सिर्फ ये हाईवे नहीं है, हाईवे हो सकता है जरिया, लेकिन इसके साथ कई सारे रास्ते भी कटे हैं, तो हम एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं इसलिए चीज़ें गलत नज़र आती है, उसका कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू है, कई सारे मैप हैं, जो अगर हम उसके बारे में भी सोचें तो हमें यहाँ आने के लिए रास्ता मिल सकता है, बट हम जानते एक हैं सोचते एक हैं इसलिए चीज़ें खराब होती है। और सिनेमा एक माध्यम है किसी को समझाने का कि मनोरंजन के साथ, अगर हम मनोरंजन नहीं देंगे खाली मैसेजेस दे देंगे तो खाली मैसेज बोर हो जाएंगे सब कि भाई इतना मैसेज कितना मैसेज है, थिएटर से निकल के बोलेंगे व्हाट्सएप कर दो मेरे को। तो इसलिए आपको एक मनोरंजन के साथ साथ अगर हम कुछ चीज को रखते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा घर करता है। बेटा पैदा होता है खुशी होती है, 5 दिन बाद मरता है तो ज्यादा दुख होता है। तो एक खुशी के साथ एक गम होता है कि नहीं यार अगर हम ही कर दिए होते तो वो चीज़ गलत नहीं होती, या हम इसको पहले से, तो समझाने का तरीका अगर आपके डायरेक्टर को आता है तो मुझे लगता है कि एक सिनेमा बेहतर बन सकती है। और हमारे डायरेक्टर साहब ने इसमें बेहतर तरीके से रिश्तों से लेकर और मुझे लगता है गाने तक, इसका एक भी गाना आपको फ्लॉप नज़र नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि हर गाने पर हम लोग सिर्फ यही नहीं, हम ये दीदी ये लगातार गाने आ रहे हैं, मैं इनको सुनाते, मैं 11-12 बजे रात को सोई है बेचारी, छोड़िए ना को गाना आया है कि देखिए ना कैसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था, और सीन के साथ भी विदाउट डिस्कशन, इनके अंदर एक चीज़ है कि कोई भी सीन ये करती हैं तो विदाउट डिस्कशन नहीं करती, और ये ऐसा किया जाएगा तो अच्छा लगेगा, तो ये सिनेमा जीती हैं, तो इनके साथ एक्टिंग करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि
अब कभी कभी तो ऐसा हमको होता है कि हम कहना कुछ चाहते हैं और सामने वाला कह कुछ और रहा है, तो वहाँ फंसता है। लेकिन अमरपाली जी के साथ अक्सर ऐसा, जब भी मैंने, मुझे लगता है कि मैंने 3 फिल्में की ना, नहीं चार, दो, बस दो, दो गाना, एक में गाना किया था, एक में दो फिल्म, हाँ, तो दो फिल्मों में, और दोनों फिल्मों में हम लोगों ने मस्त काम किया, क्योंकि मुझे इनके साथ मज़ा आता है, क्योंकि सामने वाला इनसे डरता बहुत हूँ, कि इनके एक्टिंग से भी मैं डरता हूँ। अमरपाली जी की मतलब जो एक्टिंग का स्किल है इनका, जो एक्टिंग इनको आता है, आजकल बहुत से बच्चे, लड़के, लड़कियां सब कोशिश करते रहते हैं कि एक्टिंग के लिए, हम लोग को अप्रोच करते रहता है लोग, उन लोगों को देखना चाहिए कि ये लोग क्या करते हैं। और भोजपुरी सिनेमा में अगर आप किसी टाइप का कैसा भी बेहतर से बेहतर सिनेमा अगर सोचें कि कुछ ऐसा बने या वैसा बने, तो अगर अम्रपाली दुबे हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो किरदार आप कर सकती हैं। और मैंने इसी कड़ी में कुछ सोचा भी है, और इसीलिए सोचा है कि अम्रपाली दुबे, क्योंकि वो कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड लिमिट होते हैं कि ये क्या कोई कर पाएगा। तो आप हैं इस इंडस्ट्री में, इस फिलहाल दौर में, तो बेहतर से बेहतर जो कुछ भी किसी फीमेल आर्टिस्ट के लिए सोचना होगा वो सोचा जा सकता है। बहुत बहुत ही बेहतर एक्ट्रेस है। अगर रोड आपका अच्छा है ना, तो आप ट्रैक्टर को भी 60 की स्पीड में दौड़ा सकते हैं। सही बात। तो सबसे बड़ी चीज़ की ये एक रोड है, और खासकर हम लोग ने वहाँ पे जो एंजॉय सबसे ज्यादा किया, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने जो जिस तरीके का हम लोग को जिस तरीके रखे थे, या वो गोरखपुर के वो लोग जिन्होंने सपोर्ट किया था, तो आती है। हाँ, जो सपोर्ट किया हम लोगों ने, जिनके घर में हम लोगों ने शूट किया, उन लोगों ने इतना बेहतर तरीके से अपना घर, तो समझिए कि लगता ही नहीं कि हम लोग का अपने गांव में नहीं है। हाँ, लगता है कि वो हमारा ही घर, हमारा गांव है, वो हमारा ही घर है। हाँ, मेरा घर है गोरखपुर, गोरखपुर, इसलिए हाँ, अपने को अपना घर जैसा लग रहा था। तो आपके घर कितने बार गए यहां तो सब यहां नहीं जाते, तो वहां काफी हम लोग को, और खासकर खेसारी जी ने हम लोग को काफी जो वो मटन और लिट्टी वगैरह जो खिलाया था इन्होंने, फिश, क्योंकि खाने के बहुत शौकीन है, और शूटिंग के दौरान ये हर तरीके का खाना वहाँ पे जो बेहतर होता है वो बेहतर खाना तो मैं नहीं मंगवाता, मैं लिट्टी चोखा बनवाता हूँ। नहीं नहीं, टेस्टी वाला, टेस्टी घर वाला, हांडी मटन जो मंगवाए थे वो। हाँ, हांडी मटन तो वो तो और क्या बेहतर में बेहतर में क्या खिलाओगे। मैंने आपके जीवन में खाना हांडी मटन अच्छा है, वहाँ वहाँ का जो टेस्ट था, वहाँ का जो था, उसका पेमेंट हमने नहीं दिया, लोगों ने दिया। नाम लेकिन मंगवाया था उसको, वो मंगवाया मैं था। तो बस एक बेहतरीन फिल्म बनी है, मैं सारी ऑडियंस से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अगर बेहतरीन सिनेमा को अगर अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे, तो हमारी कोशिश हर दिन यही रहेगी कि हम बेहतर सिनेमा ही करें, और बेहतर कहानियों के पीछे ही हमारा जीवन चलता रहे, और उस कहानी के बदौलत हम कुछ समाज को दे सकें, समाज का मनोरंजन भी करा सकें, और समाज को कुछ संदेश दे सकें। तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा आप के, हमारे पत्रकार महोदय और मीडिया के तरफ से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग डोली सजा के रखना। 2 सितंबर को हर पूरे ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रही है, जहाँ जहाँ हमारा भोजपुरी सिनेमा लगता है, तो आप प्लीज़ जाइए और अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। हमारे फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर निशांत उज्जवल जी हैं, जो कि बहुत अच्छा से सिनेमा रिलीज़ करते हैं, तो हमारी शुभकामना उस भाई के साथ भी है, अमरपाली जी के साथ हैं, रजनीश भैया के साथ हैं, हमारे रोशन जी के साथ हैं, दीदी के साथ हैं, और इस सिनेमा से जितने हुए जुड़े हुए, चाहे वो लोकेशन वाले लोग हों या होटल वाले लोग हों, कैमरामैन हमारे प्रिंस भाई से लेकर, जितने डांस मास्टर से लेकर, म्यूजिक डायरेक्टर से लेकर, यानी एवरीथिंग जितने लोग हैं, सबको दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने एक अच्छी बेहतरीन सिनेमा का निर्माण किया, और आज पूरी दुनिया के सामने उसको दिखाया जाएगा। तो प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बहुत अच्छी सिनेमा बनी है, मुझे लगता है कि 2-3 साल में इतना ज़्यादा ट्रेलर का रिव्यू किसी को नहीं मिला, जो कि इस चीज़ों को मैं इस सिनेमा को मिला। तो जिस तरह ट्रेलर का रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया था, उसी तरह मैं चाहूँगा कि हॉल में जाकर और अपना प्यार इतना बरसाइए कि लोग मजबूर हो जाएँ बेहतर सिनेमा करने पर, क्योंकि बेहतर सिनेमा बहुत कम बनती है,
मेकर्स भी मजबूर हो जाएं रोशन जी शर्मिला जी जैसी लागत लगाने में और इतनी महंगी फिल्म बनाने के लिए मजबूर हो जाएं, बिकॉज हम लोग भी मिस कर रहे हैं कुछ समय से ऐसी मेकिंग जो रोशन सर और शर्मिला मैम ने की है। हाँ जल्दी से कर लेते हैं एक दो पिक्चर और, है ना, इनके पास तो जल्दी भी अगर बोलेंगे तो 2.5 साल बाद टाइम मिलेगा। नहीं नहीं सर नहीं, कहानी अच्छी होती है तो मुझे टाइम मिलेगा, जल्दी मिल जाता है। मैं कहानी पे काम करता हूँ, कॉन्सेप्ट अगर बेहतर होता है तो हमने कभी नहीं कहा कि नहीं उनका डेट है उनका डेट है, जिसका बेहतर कॉन्सेप्ट होता है मैं उसके साथ निकल जाता हूँ, पहले प्रायोरिटी उन्हीं को देता हूँ मैं। अच्छा बोला नगरी जी, एकदम एक नंबर। तो इसीलिए आप लोग बेहतर कहानी लेकर आइए, मैं सारे लोगों से यही बोलता हूँ कि आप बेहतर कहानी लेकर आइए ताकि मैं मजबूर हो जाऊँ उसको करने पर। ये मत सोचिए कि खेसारी के पास डेट है कि नहीं है, आप बेहतर कहानी लेकर आइएगा क्योंकि हमें बेहतर कहानी की ज़रूरत है और आपको भी बेहतर एक्टर की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि अगर हम सब दोनों मिल के सारे लोग मिल के बेहतर चीज़ों पे काम करेंगे तो हमारा भोजपुरी अब इसलिए बेहतर होगा और हमारा समाज बढ़ेगा, हमारी भोजपुरी बढ़ेगी। 2 साल 2.5 साल जो वेटिंग पीरियड है खेसारी लाल यादव को ऐसे हीरो लेने के लिए, लगता है खेसारी लाल यादव चूज़ी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सेलेक्टिव हो गए हैं। मैं 6 महीने बाद भी काम करूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं गायकी करते रहता हूँ तो पैसे कमाते रहता हूँ, लेकिन अब बहुत कर लिया है ना तो अब मुझे लगता है कि बेहतर चीज़ अगर हम करेंगे तो शायद हमारा समाज बढ़ेगा, हमारी भोजपुरी बढ़ेगी, इसीलिए मैं सिनेमा कम कर दिया हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास सिनेमा की कमी है, जैसे इन्होंने बोला, इन्होंने राइट बोला कि अगर मैं डेट ना दूँ तो मुझे 3 साल बाद डेट आएगा, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं 2 महीने बाद सिनेमा करूँगा, मैं 4 महीने बाद सिनेमा करूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। अब जो लोग नहीं मानते हैं कि नहीं भैया मेरे को डेट दीजिए अपने पैसा लिया है, तो मैं कहता हूँ कि चल भाई ये तुमको प्रूफ नहीं हुई है तो हमको काहे के लिए पड़ी है। तो जो जीद करते हैं कि नहीं मुझे करना ही है बेहतर सिनेमा, मेरा हाय मेलदार उसके अगर कंट्रीब्यूशन बेहतर है तो मैं उसके जिद भी तो नहीं कर सकता, तो जिस जगह जाके मेरी बुराई करेगा यार मेरे को डेट नहीं देता है कि सारी पैसा ले लिया, पैसा खाके बैठा है मेरा डेट, हीरो हीरोइन लोग पैसा खाके बैठ गए। लेकिन इनको जो बेहतर, तो कभी कभी होता क्या है कि 10 फिल्में करता है आदमी तो उसमें से 4-5 फिल्में उनके लिए कर देता है जिनको लगता है कि हम गलत करने उनको डेट नहीं दे रहे, लेकिन मुझे अब लगता है कि बहुत हो गया। अब बेहतर सिनेमा करके और जिस तरह साउथ इंडस्ट्री बताइए छोटी सी, हमसे बहुत आबादी कम है उनका, लेकिन आज उन लोगों ने बेहतर काम करने की कोशिश की तो आज मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आज तेलुगु मूवी देखा जा रहा है और वहाँ के स्टार भी को भी सब लोग प्यार कर रहे हैं, तो हमारी भी ऑडियंस बहुत है, बशर्ते हमें बेहतर सिनेमा पर काम करना चाहिए। और मैं ऑडियंस से भी कहना चाहता हूँ कि जब बेहतर सिनेमा आए तो आप लोग भर भर के प्यार दीजिए, अगर खेसारी की भी अच्छी फिल्म नहीं है तो प्लीज़ आप मत जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर खेसारी की फिल्म अच्छी नहीं है तो आप प्लीज़ हॉल तक मत जाइए, चाहे मैं कितना भी रिक्वेस्ट करूँ। मेरा बेटा लंगड़ा है तो मैं तारीफ तो करूँगा बट आप मत जाइए, लेकिन अगर बेहतर सिनेमा होता है इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि एक बहुत बेहतर सिनेमा है, तो आप कोशिश करिए कि एक बेहतर सिनेमा को भर भर के अगर प्यार आप देंगे तो हर आदमी बेहतर सिनेमा बनाने की कोशिश करेगा। देखिए यहाँ पेट चलाने के हर आदमी काम करता है, लेकिन हम लोग कोशिश अब ये कर रहे हैं कि नहीं पेट बहुत हो गया, भर गया पेट, अब हम बेहतर काम करें ताकि हमारी भोजपुरी बेहतर तरीके से प्रेजेंट हो और बेहतर तरीके से दुनिया इसको प्यार करे। रोशन जी एक सवाल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या फिल्म को भोजपुरी के साथ साथ किसी दूसरी भाषा में, किसी दूसरी लैंग्वेज में रिलीज नहीं किया जा सकता है, क्या इसके टेक्निकल आस्पेक्ट्स हैं? टेक्निकल आस्पेक्ट यहाँ क्या बोलेंगे, चूंकि हमारा लैंग्वेज भोजपुरी और हम लोग भोजपुरी को फोकस करके फिल्म बना रहे होते हैं और हर स्टेट की अपनी एक कल्चर है, उस कल्चर में हमारे कल्चर की फिल्में ले जाके हम डब करके चलाएंगे तो मुझे लगता है कि उस स्टेट में लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको। हिंदी के बारे में अगर बात करूँ क्या रहेगा उसमें, क्या बोलना मतलब हिंदी? आई थिंक कि भोजपुरी के साथ जो सबसे अच्छी बात है कि हम अगर चाहें कि हम कन्नड़ फिल्म समझने की कोशिश करें तो हम नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज हिंदी और कन्नड़ बहुत ही अलग अलग भाषाएं हैं, या तेलुगु और हिंदी बहुत ही अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन भोजपुरी बहुत सरल भाषा है, इट इज़ वेरी मच लाइक हिंदी, और प्लस आप भारत के किसी कोने में चले जाएं, विश्व के किसी कोने में चले जाएं, आपको भोजपुरी भाषी लोग मिलेंगे, तो हमारे पास हर स्टेट में भोजपुरी में ही फिल्म लगाने में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हर बेल्ट में आपको भोजपुरी बोलने समझने वाले लोग मिलेंगे। तो अगर जब तक हम वैसी फिल्म नहीं बना रहे हैं कि हम जेन्युइनली पैन इंडिया के सारे मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज़ करने का प्लान करते हैं, तब तक हमें हमारी मातृभाषा पर ही फोकस करना चाहिए बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह, और जब भगवान की इतनी कृपा होगी और हम सबकी मेहनत से हम ऐसी फिल्में बना पाएंगे कि हम पैन इंडिया रिलीज़ कर सके उसे, तब हम 3-4 लैंग्वेजेस में फिल्म को सिर्फ डब ही नहीं करेंगे, हम शूट भी करेंगे 2-2 3-3 सीन्स, ताकि हम सब देखने वाले हमारे दर्शक हैं, हम
जो आज की तारीख में बातें करते हैं कि हमारी फिल्म यहाँ रिलीज हो जाए और लैंग्वेज में हो जाए या मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज हो जाए, हमारी फिल्में जो यूट्यूब पे 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ देखी जा रही है, वो दर्शक ही देख रहा है, पर वो दर्शक सिनेमा हॉल में नहीं जा रहा है। अब सिनेमा हॉलों की स्थिति अच्छी नहीं है, ये फिल्म बनाने वाले नहीं बना सकते। फिल्म बनाने वाले अच्छी सिनेमा बना सकते। हमारी, खेसारी जी की, अम्रपाली जी की, हम लोगों की फिल्में 40-40 करोड़ लोगों ने देखा है। हमारी और इनकी फिल्मों को लोगों ने 150-150 करोड़ लोगों ने देखा, मतलब 15 करोड़ लोगों ने देखा है, 150-150 मिलियन व्यू है उसका। तो वो देखने वाले दर्शक हैं। टीआरपी के मामले में जब जाएंगे आप टीवी पे, तो कुछ फिल्में ऐसी हैं जो बिल्कुल जैसे हिंदी की सूर्यवंशम है वैसी देखी जाती है, कंटिन्यू देखी जाती है हम लोग की फिल्में। दुल्हन हो ये पिया मन भावे, मुझे लगता है कि पिछले साल की सबसे लगातार देखी जाती है, लगातार देखी जा रही है। 100 मिलियन है 6 महीने में, 102 मिलियन तो फिल्में हमारी देखी जा रही है। पर प्लेटफॉर्म हमारा यूट्यूब है, प्लेटफॉर्म हमारा टेलीविजन है, सिनेमा हॉल में नहीं देखा जा रहा है। जिस दिन हमारी ऑडियंस सिनेमा हॉलों में जाकर देखना चालू कर देगी, तो आप सोच सकते हैं कि 12 करोड़ 15 करोड़ ऑडियंस का अगर 10% 1.5 करोड़ लोग भी सिनेमा हॉल तक अगर चले जाएं, तो हमारी भोजपुरी बहुत बड़ी हो जाएगी। बस यही बात है कि सिनेमा हॉल तक वो लोग पहुँचे। ऐसा नहीं है कि हमारी फिल्में नहीं देखी जा रही है, फिल्में तो हमारी मतलब इतनी देखी जा रही है, जो साउथ की जितनी फिल्में देखी जा रही है उतनी हमारी देखी जा रही है। उसका पैमाना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसको हम लोग कर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जगह बदल गया है। हाँ, जगह बदल गया। आज की तारीख में ये भी है कि हमारे जो सिंगर्स हैं, हमारे जो ऑडियो कंपनीज हैं, सिंगर्स हैं, भीड़ लगी हुई है, बड़ी सी बड़ी कंपनी आकर के भोजपुरी में गाने रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि भोजपुरी का मार्केट बहुत बड़ा है। पर यही है हमारे साथ विडंबना कि हम डिजिटली बहुत ग्रो कर किए हैं, पर जो थिएटरिकली जो उसका व्यू मिलना चाहिए, जो ऑडियंस का रिटेंशन मिलना चाहिए, वो थिएटर में नहीं आ रहा है। और बस इसी का इंतज़ार है कि प्रभु कुछ ऐसा करें, सब्सिडीज़ का गणित हो सरकार की तरफ से। जैसे अभी बिहार की बात आप लोगों ने पूछा था खेसारी जी के साथ, बिहार में टैक्स जो है वो डबल है, जबकि बिहार में भोजपुरी फिल्मों को उनको उदारता दिखाते हुए वहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स बिल्कुल बेनिफिट देना चाहिए, और उस टैक्स बेनिफिट से अगर टैक्स बेनिफिट मिले हमारी फिल्मों को, तो पब्लिक में कम टिकट में फिल्में चलेंगी। मैंडेटरी शोज भी होने चाहिए, मैंडेटरी शोज होना चाहिए, मैंडेटरी शोज होने चाहिए अपने मदर टंग के। आज महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों के लिए थिएटर में शोज अलॉटेड हैं कि आपको दिखाना है, पर भोजपुरी की विडंबना है कि आज तक जितनी सरकारें हैं सब उदासीन रही है। एक सरकार दो सरकार नहीं, सीरीज से सारी सरकारें उन्हीं स्टार को लेकर के सब कैंपेनिंग करेंगे, उनकी स्टार की महिमा और उनकी ताकत को सब जानते हैं, पर उन्हीं स्टार की फिल्मों को अच्छे से एग्जिबिट करवाएं, अच्छे से दर्शकों तक पहुंचाएं, इसके लिए सरकार उदासीन है। और हम लोग अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हो सके नारायण जिस दिन प्रसन्न होंगे उस दिन कोई ना कोई ऐसा दूत आएगा जो कल्याण करेगा हम लोग के भोजपुरी सिनेमा का भी। सिनेमा हम लोग अच्छा बना रहे हैं इतनी जिस कैपेसिटी में, जिस बजट में, क्योंकि हमारा जो फिल्म का बजट होता है वो रिकवरी के ऊपर कैलकुलेटेड है। अगर हमारी फिल्मों का भी रिकवरी 5 करोड़ हो तो हम फिल्म 5 करोड़ की बनाएंगे, 10 करोड़ हो तो 10 करोड़ की फिल्म बनाएंगे। हमारी रिकवरी लिमिटेड है, तो हमारा हम जितने रिसोर्स में फिल्में बना दे रहे हैं और जिस टाइप का ऑडियंस हमको देखने के लिए मिल रही है, जितनी ऑडियंस मिल रही है दूसरा सिनेमा इंडस्ट्री सोच भी नहीं सकता। मैं शर्मिला मैडम से एक सवाल लेना चाहता हूं। मैडम आप महिला प्रोड्यूसर हैं फिल्म की, दूरी से जाते रहना कि आप कम से कम ये शोर मच सकती हैं महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए कि भैया आप थिएटर तक आइए, मैडम आप थिएटर तक आइए और फिल्म को देखिए प्लीज। बिल्कुल हम तो यही चाहते हैं कि हर महिला थिएटर में जाए और मूवी को देखे, और उस हिसाब से हमने इस फिल्म में भी ऐसी चीज़ें रखी हैं जो लोगों को पसंद आए और महिलाएं पसंद करेंगी जाकर देखना। और इसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब लोग जाएं और देखें और उससे हमारी हिम्मत को बढ़ाएं। पागल बन के भागल फिरी होते बड़ा इंसल्टी बा कि तोरा दिल के गलती बा कि मोरा दिल के गलती बा कि तोरा दिल के गलती बा कि मोरा दिल के गलती बा।
ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है और इसमें रक्षा गुप्ता जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। हाँ जी, रक्षा जी, रक्षा जी। और रक्षा पूरे रात जगी थी क्लाइमेक्स के सीन के लिए। मेरे उनसे बात हुई, वो दिल्ली में नहीं आ पाए। चलिए रक्षा, आप जहाँ से भी देख रही है, दिल से थैंक यू कि आपने बेस्ट सिनेमा का हिस्सा बनी।